ये बात हमेशा गांठ बांध के रखो। जब तक हम अपना आखिरी सांस लेंगे तब तक हम स्टूडेंट बने रहेंगे। नेचर इज द बिगेस्ट टीचर, नेचर से बड़ा कोई टीचर हो नहीं सकता। और जिस इंसान ने अपने आप को टीचर घोषित कर लिया वो फिर टीचर नहीं रहा, बिकॉज नेचर से बड़ा कोई हो नहीं सकता। और आपको एक मैं चीज बताना चाहता हूं कि हमने जो अपने लाइफ में गलतियां किया है ना, एक अच्छा टीचर वही बनता है जो हमेशा अपने बच्चे को बताता है व्हाट नॉट टू डू rather than saying what to do, because life is not that highway always, life is a roller coaster. और एक टीचर का फर्ज वही होता है, because हमने आपसे ज्यादा ही दुनिया को देखा है। अगर आज आप 16 years, 17 years के हैं और हम लोग 40s में हैं, तो आपसे हमने डबल इस दुनिया को देखा है, तो डबल ठोकर भी खाए हैं। But as a teacher, it's my responsibility, it's our responsibility to tell you कि बेटा वहाँ पर पत्थर है, संभाल के चलना। That is the biggest thing in life. Every day would teach you something, so that day is the biggest teacher. Every moment would teach you something, that moment is the biggest teacher. एक teacher कोई individual इंसान नहीं होता, एक teacher एक पल होता है, एक टाइम स्पैन होता है। और हमेशा एक चीज याद रखना, मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं, इट डजंट मैटर कि आप देशबंधु कॉलेज में है या सेंट स्टीफंस में है, एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू गेट अ डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यू आर एट पार विद देम। आपका बैकग्राउंड आज से 48 घंटे पहले क्या था हमें उससे कोई मतलब नहीं। आज से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्ट हैं, आज से आपको एक ऐसा लॉन्चिंग पैड मिला हुआ है, लॉन्च योरसेल्फ, ताकि एक दिन आपके पेरेंट्स आपका नाम लेके प्राउड होके बताए कि दिस इज व्हाट आई हैव प्रोड्यूस्ड। अभी तक आपका जो वजूद है ना, वो वजूद सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे का है, जिसमें आपका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, बट दिस इज द लॉन्चिंग पैड। यही है टाइम, सही है टाइम। अपने आप को इतना ग्रिल करो कि आने वाला 3 या 4 साल में अपने आप को ऐसे लॉन्च करो कि वी एज टीचर फील सो प्राउड एंड वी विल ऑलवेज रेकन यू। हो सकता है आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी जब यहां पर आए तो हम इसे कुछ टीचर्स आपको मिल जाए, तो आप प्राउडली कह सकते हैं कि उस लीगेसी का एक पार्ट इस कॉलेज में था। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि इतने अच्छे स्टूडेंट हम सबको मिला है। कोई भी टीचर स्टूडेंट्स के बगैर टीचर हो ही नहीं सकता। आपका जो स्माइल है, आपके अंदर जो वो एनर्जी है, उस एनर्जी से हमें एनर्जी मिलता है। आज मैं बहुत इमोशनल हूं, मेरा होंठ कांप रहा है, मेरा कभी हाथ नहीं कांपता, लेकिन जिस तरह से आपको मैं अरेंज किया है, सुपर। ये आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, देखिए किस तरह से आपके सीनियर्स ने इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, किस तरह से एक शॉर्ट नोटिस पे हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे भी आपके गाना गा के चले गए। इससे बढ़िया कोई ग्लू हो सकता है? चेरिश दिस मोमेंट, इस मोमेंट के लिए जियो और इस मोमेंट को अपनी जिंदगी के लिए अमर करो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू।
जी क्वेश्चन पुट अप किया गया था। जैसे मैंने कहा, सबका अपना एक इतिहास होता है, खूब गलती किए हैं। आई वॉज अ हॉस्टलर, शांतु वॉज अ हॉस्टलर। हम लोग सब, तुम यकीन नहीं करोगे, कुछ पता नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। अरे अनाथ की तरह ग्रेजुएशन किए थे, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत बोल रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए आपके सदस्य होने के लिए मैं बार बार कहता हूं, हम लोगों ने खूब ठोकर खाए हैं, पर अच्छा हुआ ठोकर खाए, तभी तो सॉलिड बने, नहीं तो भूखले रह जाते। इसलिए मेरे बच्चों, चिंता मत करना, जितने भी आपके टीचर्स हैं ना, दे ऑल आर सुप्रीमली एक्सेलेंट। फील फ्री टू कम टॉक टू देम, और नॉट ओनली रिगार्डिंग योर एकेडमिक्स, इवन योर कैरियर काउंसलिंग एंड किसी भी तरह डिप्रेशन से बिल्कुल मत आना। डरियोस बहुत ही खूबसूरत लाइफ है, एंजॉय करो, टॉक टू योर टीचर्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। गॉड ब्लेस ऑल। And as all the advisors, don't be a parasite. To make your dreams come true, work hard day and night. Okay, so coming to the next teacher, that is our